इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा चर्चित छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में राजनीतिक घटनाक्रम तेज होते जा रहे हैं। रविवार को ठीक चुनाव के पहले पांडुर्ना विधायक नीलेश उइके के ग्राम रजौरा रैयत निवास में आबकारी और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की। जानकारी के मुताबिक टीम को विधायक नीलेश उइके के खिलाफ सूचना मिली थी, जिसके बाद डीएसपी छिंदवाड़ा और मुखेड़ तथा लावा घोघरी पुलिस के साथ आबकारी विभाग का अमला भी विधायक के घर की तलाशी लेने पहुंचा था। जानकारी के अनुसार टीम ने विधायक के परिवार के सदस्यों को घर के बाहर निकाल दिया था। इस बात की सूचना विधायक नीलेश उइके को मिली तो वे भी अपने घर पहुंच गए, जहां पर उन्होंने जांच में सहयोग किया। विधायक नीलेश उइके खुद भी घर के बाहर खड़े रहे। जांच दल ने घर की तलाशी लेने के बाद खेत में भी तलाशी की, जहां जांच टीम को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अप्रैल को छिंदवाड़ा आ रहे हैं, जहां वे भाजपा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री अमित शाह का रोड शो कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है, जिसमें वे जनता से भाजपा के लिए जीत का आशीर्वाद मांगेंगे, जिसे लेकर आज भाजपा ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह ने बताया कि 16 अप्रैल को देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का छिंदवाड़ा आगमन हो रहा है। इस दौरान वे फव्वारा चौक से बड़ी माता मंदिर छोटी बाजार तक रोड शो कर मध्य प्रदेश की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आशीर्वाद मांगेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद सह संभागीय प्रभारी कविता पाटीदार, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, प्रदेश प्रवक्ता अजय धवले उपस्थित रहे। माननीय गृह मंत्री जी का 16 अप्रैल 14 दिन मंगलवार को समय 4:30 बजे हवाई पट्टी आएंगे और छिंदवाड़ा आगमन होगा। वहाँ से 4:30 बजे फव्वारा चौक पहुँचेंगे। फव्वारा चौक अमित स्वीट के सामने से माननीय गृह मंत्री जी रथ पर सवार होकर गल्ला बाजार, कमानिया गेट, गोलगंज, मल्ला महाराज मेन रोड होती है नारी शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर छोटी बाजार पहुँचेंगे, जहाँ नगर शक्तिपीठ श्री बड़ी माता मंदिर का आशीर्वाद लेकर माननीय गृह मंत्री जी रोड शो का समापन करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी के छिंदवाड़ा आगमन एवं रोड शो के लिए भाजपा संगठन द्वारा आदिवासी अंचल से पारंपरिक गोली शैली न क्षेत्रीय वेशभूषा उत्सवता के साथ ही संपूर्ण मार्ग में दीपावली पर्व जैसी साज सज्जा की जा रही है। अंबेडकर जयंती के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सत्कार तिराहे पर बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अंबेडकर जयंती की शुभकामनाएं दी। इस दौरान कमलनाथ ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा कि हमारे देश को जो सशक्त संविधान प्राप्त हुआ है वह बाबा साहब की देन है, जिसकी प्रशंसा विदेश में भी होती है। बाबा साहब के संविधान की नकल तो अन्य देशों ने भी की है, जो चुनाव होने जा रहे हैं उसकी नीति बाबा साहब ने ही रखी है, लेकिन उनके बनाए हुए संविधान की रक्षा करने के लिए हमें सजग रहना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर को हम आज याद करते हैं और जैसे मैंने कहा तो चुनाव आ रहा है, ये चुनाव की नींव बाबा साहब अम्बेडकर, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान नहीं बनाया होता तो कोई चुनाव संभव नहीं था। हम उनसे सावधान रहे तो आज संविधान में छेड़छाड़ी करने का प्रयास करेंगे, हम उनसे सावधान रहे। लोग लगे हैं, पार्टियां लगी हैं कि संविधान में संशोधन करें, छेड़फेड़ करें, तो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आज बाबा साहब की जयंती पर मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूं, संकल्प लें कि हम अपने संविधान की रक्षा करेंगे, बाबा जी के संविधान की रक्षा करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ बिछुआ व सौंसर में आयोजित ऐतिहासिक जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले बाबा साहेब अंबेडकर के छायाचित्र व प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और कहा कि लोग आएंगे और तरह तरह की बातें करेंगे, क्योंकि जिन्होंने कुछ किया नहीं उनके पास सिवाय बातें बनाने के कुछ नहीं।
मैंने अपने जीवन के 44 साल आप लोगों के बीच आपकी सेवा में गुजारे, पर कभी झूठा सपना नहीं दिखाया कि मैं क्या करूंगा। मैंने अपने जिले की जरूरतों को पूरा करने के लिए कार्य किया है और कार्य भी ऐसा किया कि आप लोगों को कहीं सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं है। अन्य जिले के लोग भी छिंदवाड़ा विकास के मॉडल की तारीफ करते हैं जिसका कोई मुकाबला नहीं है। जब मैं भी यह सुनता हूं तो मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है कि आज हमारे जिले का नाम प्रदेश, देश व विदेश में लिया जा रहा है। सौंसर एक छोटी बस्ती थी, बोरगांव का नाम निशान नहीं था, ये नहीं पता था कब बोरगांव आया कब बोरगांव गया। आप नरसिंहपुर जाते हैं तो हर रही कब आया हर रही कब गया पता है, ये सब आपके सामने। मैंने 6000 किलोमीटर सड़कें बनवाई, ग्रामीण सड़कें, केवल आवागमन की बात नहीं थी, मजदूरी अपनी, मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी, रोलर अपना, लोगों को मजदूरी मिली, हमारे किराने की दुकान चलती और बड़े हाईवे बनाए आवागमन के लिए, केवल नहीं मजदूरी अपनी, मिट्टी अपनी, गिट्टी अपनी, केवल डामर तो बाहर से आता है, इससे आर्थिक गतिविधि बनी। आज छिंदवाड़ा का बाजार ले, बिछुआ का बाजार ले, क्या था बिछुआ का बाजार 20-30-40 साल पहले, आज का बाजार ये इसलिए है, कोई नागपुर से नहीं आता है क्योंकि हमारे कृषि क्षेत्र में कुछ मजबूती बनी। मैं मुख्यमंत्री था, मैंने अपने छिंदवाड़ा जिले के 80,000 किसानों का पहली किश्त में कर्जा माफ किया। डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखने वाली निशा बांगरे ने आज शहर के निजी होटल में पत्रकार वार्ता आयोजित कर जानकारी दी कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। वहीं कांग्रेस पर विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने उन्हें पहले विधानसभा के लिए ऑफर किया, फिर लोकसभा में टिकट न देकर उनके साथ विश्वासघात किया है, यह एक महिला के साथ अन्याय है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि वे अभी कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं कर रही हैं, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि जल्द ही निशा भाजपा में शामिल होकर प्रचार प्रसार कर सकती हैं। कांग्रेस जो कि बाबा साहब अंबेडकर की बात करती है, नारी के न्याय की बात करती है, दलितों के न्याय की बात करती है, संविधान की रक्षा की बात करती है, लेकिन उन्होंने किस तरीके से एक महिला के साथ में अन्याय किया है कि उन्होंने एक झूठा वादा करके विधानसभा में भी चुनाव लड़ने से रोकने का काम किया, लोकसभा में भी टिकट ना दे करके संसद में जनप्रतिनिधि बनने के मौके को भी उन्होंने खत्म किया है। जो मेरे साथ कांग्रेस ने, कमलनाथ जी ने जो अन्याय किया है उसको मैं आज छिंदवाड़ा में बताने के लिए आई हूँ। जो महिलाएं, जिन महिलाओं की, जिन लोगों की संवेदनाएं मुझसे जुड़ी है, मैं बताना चाहती हूँ कि क्या घटनाक्रम मेरे साथ हुआ है, ताकि आने वाले समय में किसी और महिला या किसी व्यक्ति के साथ इस तरह का अन्याय ना हो सके। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम MD छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यता देखा गया है कि COVID-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। सांसद नकुल नाथ ने आज चांदामेटा माता मंदिर से पदयात्रा की, जो परासिया के बस स्टैंड पर समाप्त हुई। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में पदयात्री शामिल हुए। पदयात्रियों का जगह जगह भव्य स्वागत हुआ। पदयात्रा में बड़ी संख्या में मौजूद जनसभा को सांसद नकुल नाथ ने संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा को घेरते हुए कहा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, समाज का हर वर्ग खतरे में है, शासकीय क्षेत्रों में तो रोजगार के अवसर लगभग समाप्त ही कर दिए गए हैं, क्योंकि शासकीय क्षेत्रों को भी निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। रेल, भेल, तेल और हवाई अड्डे तक बेचे जा चुके हैं, तो सोचिए कि अब शासकीय नौकरियां कैसे प्राप्त होंगी। रविवार को भाजपा महिला मोर्चा ने माने गांव मोआदेई
गांगीवाड़ा और सोमाढाना में जनसंपर्क किया। इस दौरान शालिनी बंटी साहू ने महुआ बीनती ग्रामीण महिलाओं के साथ महुआ बीन कर उनसे मोदी सरकार से मिल रही योजनाओं के फायदों पर चर्चा करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारत आज महिला सशक्तिकरण में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। 3 करोड़ लखपति दीदियां हमने 1 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाकर सशक्त किया है। अब हम 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में महिला मोर्चा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार बार गर्भपात का इलाज, टीटी का ऑपरेशन और टीटी खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुँच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर। आगामी लोकसभा चुनाव के पहले पुलिस लगातार अपराधियों पर नकेल कसने में कामयाब हो रही है। इसी क्रम में अमरवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ शराब के जखीरे में छापा मारकर 63 लीटर अवैध देशी प्लेन शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी है कि शनिवार की रात ग्राम धसनवाड़ा में खेत में अखिलेश वर्मा 28 वर्षीय से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसके पास से 63 लीटर शराब मिली, जिसकी कीमत 31,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आए दिन हो रहे हादसों में किसी न किसी को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। ताजा मामला चौरई थाना क्षेत्र के बाईपास मार्ग का है, जहां सीता पार के पास दोपहिया वाहन सवार दंपति को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसा इतना दर्दनाक था कि महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। उपचार के लिए उसे चौरई के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रविवार दोपहर करीब 1 बजे की है। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसका वाहन जब्त कर प्रकरण दर्ज कर लिया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए शहर के प्रवेश द्वार पर जगह जगह जांच दल द्वारा आने जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में आज पांढुर्ना में महाराष्ट्र के नरखेड़ की ओर जाने वाला मार्ग पर ग्राम करवार में SST दल ने रविवार को तेजी से आ रही मोटरसाइकिल को रोककर जांच की, तो तलाशी लेने पर मोटरसाइकिल से 2,66,000 रुपये की राशि बरामद की गई।